आईपीएल के रन में हर दिन एक से एक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। आईपीएल 2024 में फैंस सनराइजर्स हैदराबाद की 277 रनों की पारी के हैंगओवर में अभी थे ही कि इससे पहले ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक और रिकॉर्ड तोड़ पारी खेल दी। जी हां, वाइजैग में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ केकेआर के बल्लेबाजों ने ऐसा रंग जमाया कि दिल्ली कैपिटल्स को इस सीजन दूसरी जीत अब तक नसीब नहीं हुई। केकेआर और डीसी के बीच मुकाबले में केकेआर ने एक तरफे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को धूल चटाई। अगर बात करें इस मुकाबले की तो टॉस जीतकर पहले केकेआर ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस पिच पर, जिस पिच में सतह बहुत ज्यादा मजबूत लग रही थी, बहुत ज्यादा घास नजर नहीं आ रही थी, वहां पर श्रेयस अय्यर ने यह फैसला किया कि हम पहले बैटिंग करेंगे और एक टारगेट दिल्ली कैपिटल्स को देंगे। केकेआर की पारी की बात की जाए तो शुरुआत उनको काफी धमाकेदार मिली। सुनील नारायण ने केकेआर को मजबूत शुरुआत दिलवाई। फिल सॉल्ट तो जल्दी पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद सुनील नारायण ने अंगक्रिश रघुवंशी के साथ मिलकर जो बाउंड्रीज लगाई उसने दिल्ली कैपिटल्स के हर गेंदबाज की हवा निकाल दी। सुनील नारायण की बात करें तो उन्होंने 39 गेंदों पर 85 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 7 सिक्स लगाए। नारायण का स्ट्राइक रेट 217.95 का था। इसके अलावा अंगक्रिश रघुवंशी की बात करें तो उन्होंने 27 गेंदों पर 54 रन की पारी खेली। रघुवंशी के बल्ले से 5 चौके और 3 सिक्स निकले। उनका भी स्ट्राइक रेट 200 का रहा। लेकिन इसके बाद ऐसा लग रहा था कि केकेआर की पारी धीमी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैदान पर आ गए आंद्रे रसल। रसल ने अपना पावर दिखाया और बॉल को बाउंड्री पार ही रखा। लगातार वाइजैग में हवाई हमले केकेआर के बल्लेबाजों ने जारी रखे। आंद्रे रसल की बात करें तो उन्होंने 19 गेंदों पर 41 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 3 सिक्स लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 215.79 का था। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर भी आए, लेकिन श्रेयस अय्यर की अगर बात की जाए तो वो उस लिहाज से रन नहीं बना पाए। 11 गेंदों पर 18 रन बनाकर श्रेयस अय्यर पवेलियन लौटे। इसके बाद रिंकू सिंह ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ पारी खेली और 8 गेंदों में 26 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 सिक्स और 1 चौका लगाया। वेंकटेश अय्यर ने नाबाद 2 गेंदों पर 5 रन बनाए, तो वही रमनदीप सिंह 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। केकेआर ने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 272 रन बनाए, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स को 273 रनों का लक्ष्य मिला। आईपीएल के इतिहास में यह दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले, कुछ ही दिन पहले, सनराइजर्स हैदराबाद ने 277 रनों का स्कोर बनाया था, जो आईपीएल में सबसे ज्यादा रनों का किसी एक पारी में स्कोर है। और आज केकेआर ने ठीक उसके पास जाकर अपनी पारी को रख दिया। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो उनकी गेंदबाजों की आज जमकर धुनाई हुई। खलील अहमद ने 4 ओवर में 43 रन दिए, तो ईशान किशन ने इतने ही रन 3 ओवर में दे दिए। एंड्रिज नॉर्खिया की बात करें तो उन्होंने 4 ओवर में 59 रन दिए, जबकि उनको 3 विकेट भी मिले। इसके अलावा मिच मार्च ने 3 ओवर में 37 रन दिए और उनको एक सफलता मिली। राशिक सलेम की बात करें तो वो भी काफी महंगे साबित हुए और उन्होंने 3 ओवर में 47 रन दिए। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स को शुरुआती झटके लगे। पृथ्वी शॉ सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए, तो वही इसके बाद मिच मार्श अपना खाता तक नहीं खोल पाए। डेविड वार्नर ने 13 गेंदों पर 18 रन की पारी खेली, तो वही अभिषेक पोरेल, जो कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम में आए थे, वो अपना खाता नहीं खोल पाए। ऋषभ पंत ने कुछ हवाई फायरिंग जरूर की, लेकिन टारगेट इतना बड़ा था कि दिल्ली कैपिटल्स केकेआर के स्कोर के करीब भी नहीं पहुंच पाई। इस जीत के साथ ही केकेआर पॉइंट्स टेबल में भी टॉप पर पहुंच गई है। लगातार 3 मुकाबले केकेआर ने भी जीत लिए हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स को भी 3 में से 3 मैचेस में जीत मिली है। लेकिन बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स फिलहाल पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स को पिछले ही मुकाबले में आईपीएल 2024 की पहली जीत मिली थी, लेकिन दूसरे जीत का इंतजार दिल्ली कैपिटल्स का बढ़ गया है। रिकी पॉन्टिंग हो या सौरव गांगुली, इस टीम के थिंक टैंक को कुछ अलग सोचना होगा, तभी ये टीम कुछ बेहतर प्रदर्शन मैदान पर कर पाएगी।
मौजूदा समय में अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज उस रंग में नहीं दिख रहे हैं। उनके बल्लेबाज लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने पिछले मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, जिसकी बदौलत उन्होंने 182 रन का टारगेट जो है वो डिफेंड कर लिया था। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि गौतम गंभीर की कोलकाता नाइट राइडर्स इस लीग में आगे किस तरीके का अप्रोच दिखाती है। दिल्ली कैपिटल्स को हराने के बाद वो नंबर वन पर जरूर पहुंच गई है, लेकिन आईपीएल 2024 के अभी अधिकतर मुकाबले बचे हुए हैं। शुरुआत केकेआर की काफी शानदार रही है, लेकिन अगर इस टीम को ट्रॉफी जीतनी है तो अपनी पारियों को अंजाम में भी पहुंचाना होगा। आज जिस तरीके की पारी केकेआर के बल्लेबाजों ने खेली है, वैसी ही पारी आगे के मुकाबलों में भी खेलनी होगी। साथ ही गेंदबाजों को भी उसी हिसाब से सपोर्ट देना होगा। केकेआर के लिए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में एक अच्छी बात और ये रही कि उनके सबसे महंगे गेंदबाजों ने भी आज विकेट लिया। मैं बात कर रहा हूं स्टार्क की। मिचेल स्टार्क, जिनको पहले दो मुकाबले में एक भी विकेट नहीं मिला था, आज उन्होंने अपनी गेंदबाजी का शानदार प्रदर्शन दिखाया और उनको आज विकेट्स भी मिले। उम्मीद करते हैं कि स्टार्क फॉर्म में लौट आए हैं और केकेआर के लिए इसी तरीके से गेंदबाजी करते रहेंगे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को यहां से सुधार की जरूरत है, नहीं तो बहुत जल्दी उनकी टीम इस लीग से बाहर हो जाएगी।